लाइट चालू है क्या? दो लाइट एंड लेफ्ट 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 थैंक यू नमस्ते एंड थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द मीडिया हू हैव जॉइंड अस दिस इवनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द लॉरियल पेरिस फैमिली आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू अबाउट स्ट्रीट हरासमेंट अगेंस्ट वेमेन बट आई थिंक इट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ जेंडर्स एंड वॉट्स इम्पॉर्टेंट इज दैट पीपल फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड L'Oréal Paris is working with Right to Be, an NGO that is looking to end harassment of all forms. And they have the stand-up program against street harassment. And join us at the event to know more about it. Thank you for being here. God bless. मुझे बोलना घर में तो ये नहीं हम लोग पता करें हम सेकंड मार ये चलो बोल लो काम बहुत है सेंटर मार करवा दीजिए सेंटर अपने लिए कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे बोले मैं मत पूछो What am I supposed to say? Yeah. Good initiative taken by the street harassment. Sorry. It is
a very good initiative taken by the L'Oreal, the street harassment. What is your take on that? I mean, being a girl, all my life I have dealt with street harassment in my own small big ways. When we were younger, we used to get scared if we saw a group of boys passing by because कभी कभी कोई हाथ डाल देता था अंदर या कुछ कॉमेंट पास करता था. सो आई थिंक लाइक एवरी गर्ल स्पेशली इन द वर्ल्ड एक्चुअली बट ऑल्सो इन आर कंट्री इन आर सिटी वी सफर फ्रॉम दिस फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न. वी आर ऑलवेज केयर ऑफ वेयरिंग स्कर्ट्स और यू नो लो टॉप्स. कोई कोई घूरता है कोई कॉमेंट पास करता है. तो आई फील लाइक आई वॉन्टेड टू बी हियर टू सपोर्ट समथिंग लाइक दिस बिकॉज आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्टॉप दिस बिहेवियर. Right now I'm not talking about work. This is all about the cause. But yes, definitely very, very soon. Thank you. जरी से इधर देखिए बेजा जी पीछे हूँ देख नहीं रहा हूँ मैं. अरे रुको इधर तेजस्वी प्रकाश इधर देखिए भाई मैडम सामने रखिए मैम एक बार यहाँ पे सामने सेंटर में बस 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 यहाँ पे सामने देखिए मैम.
मंदिरा जी, मंदिरा जी सेंटर में आइए फातिमा ये रुको 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 मेरे को जगह तो भाई लोग आप कुछ काम कर रहे हो क्या फातिमा जी आपके सामने इधर हो सामने भी फातिमा बहन रुको रुको मैडम मैडम रुको मैं नहीं दे स्लाइड भी नहीं है क्या करें स्लाइड मारना ये थोड़ी तेरी धागा दे ना ये भाई अरे थोड़ी तेरी दे ये हो गया तो बताओ एक मिनट दाग मोबाइल जरा बाजी जरा मोबाइल अरे दोन मिनट मैडम मैडम अरे फ्लैश मध्ये कवर होतोय जरा मोबाइल काढ ना भाई एक मिनट मैडम फोकस चलो आओ ब्रेक के हाँ बस अरे लाइट क्यों चेंज कर रहे हो बार बार लाइट अलग अलग मार रहा अरे हम मोबाइल वाला कौन है भाई अरे फोटो अपन के लिए जगह रखो यार तो मैं जा रहा हूँ सेंटर इधर अलग टोन मिल रहा है लाइट अलग दिया है बोल रहा हूँ ये महेश हाथ आ यहाँ पे सामने सेंटर यो यो काम कर मला तर त्रास होतो की सारखा अंगार येतो मोबाईल नी पण सेंटर एक बार यहाँ पे सामने आ गए अदिति सेंटर ये भी देखिए हम भी देखिए भाई है तो क्या
इधर इधर आगे सेंटर में उधर नहीं आते हैं ना गुरु भाई सामने गुरु का स्ट्रेट सेंटर गुरु सामने आइए ना गुरु बस इधर आइए और इधर आइए तो एक्सक्यूज मी या यहां पे आ पे सेंटर 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 बोधो के सेंटर गुरु इधर help the situation. So I think it's a great initiative. It's a great, great initiative. Women's reservation bill भी pass हो गया है तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या बोल रहे हैं? Women's reservation bill. ओ अच्छा. अच्छा इसके बारे में मुझे तुरंत idea नहीं है. क्या है क्या वो? Women's reservation bill. One third women जो है मिल सकती है लोकसभा और राज्यसभा में. अरे lovely lovely. बहुत ही अच्छा फिर तो. Absolutely, it is amazing because I mean, as long as you know, women and men do not come in the same platform. मतलब एक equal जगह दोनों को नहीं दिया जाए. I think जो power है एक औरतों के अंदर to जो already है तो उसको you know imply करने के लिए platform भी तो मिलना चाहिए. So when there is a reservation, and I'm like glad that it is happening. But especially, I mean, I was always believing in this, especially after having two daughters. अब तो ऐसा लग रहा है. I mean, the world belongs to women. हम झंडे लेके निकल पड़े हैं. हमेशा से actually हम लोग थे भी ऐसे. मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दो बेटियां होने के बाद ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो भी हो अच्छा हो और हमेशा होता रहे अच्छा. Thank you. मैडम चलना पूर्ण लुक दिया है इस पे धारे का पिक्चर भी काम नहीं बंद रहा है गेम बंदरे का गेम बंदरे का धारे का काम पर आवाज दे ना लेकर सही लेफ्ट में सही लेफ्ट पसंद का क्या बोल रहा है थैंक यू इधर इधर सही सही थोड़ा इधर आइए सही आएगा सही 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 स
बारीक मोबाइल तो पीछे ले, अभी तो भगवान बने मैम। अभी आगे देखिए मैम, सही राइट सेंटर में, इधर मेरे पास सही राइट आ रहा है। कैसा है राइट साइड साइड हम लोग क्या करेंगे? हेलो भाई, लुक सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टैंड अप अगेंस्ट स्पीड हैरेसमेंट जो है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में लॉरियल के? मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि आई थिंक हर जगह दुनिया में इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू फील सेफ, स्पेशली अगर वो आपकी सिटी हो तो सेफ फील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने खुद ये फेस किया है बाहर, जब लोग कैट कॉल करते हैं, एंड इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट। रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया, 1/3 रिजर्वेशन मिल गया है हमारे हाउसेस में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कॉन्ग्रेचुलेशन। सॉरी मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ उसके बारे में क्या कहना है आप? ओ आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती रही तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट टाइम फॉर वुमेन इन इंडिया, सो आई एम रियली ग्लैड। अरे पूरा केबल आ रहा है, केबल तो निकाल दिया कर दिया भाई। अरे केबल कोई पूछ रहा है कुछ? सर सबसे पहले क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, स्टैंड अप अगेंस्ट स्पीड हैरेसमेंट? आई थिंक इट्स अ जिसको पहले दिया उसको आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय लॉरियल। एंड सी द फैक्ट दैट एम्पावरिंग द बाईस्टैंडर इज वेरी इम्पॉर्टेंट, because we mostly hear that you know how difficult it is to help someone, those stories we hear, but we do not hear the stories of empowerment. I think the fact that how the empowerment like a brand L'Oreal has been able to you know help people in terms of helping others, if they see something, how can they practically find solution, what are the first steps they have to take? I think this campaign is very very important campaign, which teaches you how to help someone when you see street harassment. And it's not only limited to the metros. I think you should reach out to the larger audience, and I hope this will be covered by everyone in terms of a great initiative. मैडम की सेंटर में, सेंटर सेंटर सेंटर
अरे ऊपर खड़े हो गए ज्यादा लाइट गई जनू दादा।
सबसे पहले आप क्या कहेंगे स्टैंड अप और जो है क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कहेंगे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कैंपेन है जो काफ़ी सालों से लॉरियल सपोर्ट कर रहा है और आई थिंक औरतों को लेके काफ़ी काफ़ी ऐसी पॉलिसीज आ रही है, काफ़ी ऐसी अवेयरनेस आ रही है जो जिसकी बहुत ज़रूरत है हम सब। सो वेरी प्राउड ऑफ लॉरियल फॉर डूइंग दिस एंड सपोर्टिंग इट विद ऑल माय हार्ट। मैं इसीलिए मौजूद थी क्योंकि मैं बिल्कुल इस डिसीजन को लेकर, इस बिल को, बिल के पास होने को लेकर बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ, बहुत खुश हूँ कि काफ़ी सालों बाद सही लेकिन हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे औरतों के पास बहुत पावर पोजीशंस होंगी, जहाँ पे वो सच में सोसाइटी में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे हमें रिप्रेजेंट कर सकती हैं सही तरीके से। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी और उनकी पूरी टीम को कि ऐसा कुछ हुआ एंड मच मोर पावर टू ऑल द वीमेन आउट देयर एंड मे वी गेट मोर मे वी गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। थैंक यू। यस, सबसे पहले आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे जो लॉरियल ने उठाया है? बहुत ही जरूरी है आई थिंक, ये जितना बोला जाए उतना कम है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज। बहुत सारे आजकल सिग्नल्स हो गए हैं, साइंस हो गए हैं अगेंस्ट हैरेसमेंट। अगर आप
अगर आपको सेफ फील नहीं कर रहा है, अगर आप किसी को इशारा देना चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, देर आर लॉट ऑफ साइन लैंग्वेजेस दैट कैन हेल्प यू. सो येस, यू डू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट एंड हैरेसमेंट इन जनरल एक्चुअली. सो kudos to L'Oreal for doing that and I'm very excited to be here. Thank you. Gaur ji, recently Women Reservation Bill pass hua hai, uske baare mein kya kahenge aap, kitna acha hai women's ke liye? Mujhe is bill ke baare mein zyada jankari hai nahi, lekin I think women don't really need reservation. I think women should have equal rights just as men do, whether it is in the parliament or anywhere else. And jab aap kisi campaign ke liye khade hote hain politically ya anything in life, I don't think women as per need reservation. And I think aisa mahol banana chahiye jahan par auraton ko reservation ki zarurat na pade balki equal hissa mile har cheez. Okay, thank you. अभी तक नहीं लग रहा था. ले यहाँ से लेके जाए. अच्छा 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 अरे ना ये तो दिख रहा है. मैं तो नहीं.
दादा लाइट भी जाओ देख लो सेंटर सेंटर लाइट बंद है देख अमीरा अच्छा अरे यही बात आया आप फोटो मारेंगे तो देते भी क्या तो अरे मैं दे रहा हूँ दादा यार मेरे को दस गेट से लाइट चालू है भाई नहीं नहीं मना क्यों अरे वो जो चल रहे थे भाई तो नहीं रहे नहीं रहा रास्ता तो वही है भाई घूम रहे भाई जो है अभी आ गया है काम कर रहा है क्या कहता है concept and congratulations to L'Oreal for putting together such an amazing event. Not every day do we have an event of this particular topic in Bombay, so thank you so much and can't wait to go inside. I think we're very late. I think it's an amazing initiative and big ups to L'Oreal for celebrating the security and safety of women in our country today. So very happy to be here. Thank you. Well, I think I have styled Sukriti and Sukriti has styled me. So we'll just give ourselves the credit today. And we're both wearing black, so I think we're on point and on brand. Thank you so much. Thank you. फोटो के बाद भाई नहीं नहीं
मैम सेंटर में देखिए, मैम सेंटर में देखिए जी, यो गंगा जी यहां सामने, एकदम एकदम सामने हो गया रे, तो बुलाऊं जन्नत जी इधर इधर जन्नत जी भाई L'Oreal के थ्रू ये इनिशिएटिव अरेंज हुआ है और हम यहाँ पर आए हैं. आई थिंक इज जस्ट सो ओवरवेलमिंग. आई थिंक हमें ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अवेयरनेस फैलेगी और जो भी इन सब चीज़ों का शिकार हुए हैं, जो लोग हेल्प हुए हैं, आई थिंक उनको मोटिवेशन मिलेगा कि यार ऐसा कुछ हुआ है तो हमें डरना नहीं है, हमें फाइट बैक करना है, हमें अपने लिए स्टैंड लेना है. सो आई एम सो सो हैप्पी एंड सो सो प्राउड ऑफ L'Oreal फॉर टेकिंग दिस अमेजिंग इनिशिएटिव एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी हियर टुनाइट. एकदम ऑनेस्टली बताओ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि डिज़ाइनर का नाम क्या है, बट आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी नाइस वेयरिंग दिस एंड थैंक्स टू द अमेजिंग स्टाइलिंग टीम दैट आई हैड, माय एंटायर टीम, बिग बिग थैंक्स टू देम बिकॉज इट रियली रियली टेक्स अ विलेज. It's just not very easy to get ready and be somewhere. So yeah, thank you so much. Lot of fans waiting for your project, upcoming project. कुछ अगर आप बता सके, song आ रहे हैं या हमने सुना है कि आप film में film कर रही हैं, कुछ अगर आप बता सके तो. तो जैसे ही कुछ भी ऑफिशियल होगा वो मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑफिशियल तरह से अनाउंस करके आप लोगों को बताऊंगी और बिल्कुल आप लोगों को पता चलेगा. बट तब तक के लिए प्लीज़ वेट करिए एंड आई थिंक शूट चल रहा है फिल्म का. कुछ भी ऑफिशियल होगा तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों को तो बिल्कुल बताने के पहले ही पता चल जाता है. जैसे अभी जो आप बोल रहे हैं इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है बट आपको पता है, लेकिन जैसे ही कुछ भी होगा तो आपको बिल्कुल पता चल. थैंक यू Thank you.
जब पहली बार मैंने स्ट्रीट हरासमेंट देखा था मैं दिल्ली में थी और बहुत छोटी थी और एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा था और उसको मार रहा था और मैं इतनी छोटी थी और मैं बस में थी 16-15 साल की थी कि मुझे बाहर जाके उसको हेल्प करने में डर लग रहा था तो मैं उतर भी गई बस से मैं भागी भी उसकी तरफ पर उस वक्त हिम्मत ही नहीं थी हुई और मैंने कोशिश भी किया पर किसी ने हेल्प नहीं करी पर आई थिंक टुडे बिकॉज ऑफ इवेंट्स लाइक दिस दैट अवेयरनेस पीपल आर स्टैंडिंग अप एंड हेल्पिंग ईच अदर और आई बट देयर स्टिल अ लॉट टू नीडेड टू बी डन एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी कुछ कमेंट पास कर रहा है या हरास कर रहा है यू शुड ऑलवेज स्टैंड अप और अगर आप किसी और को हरास होते हुए देखते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टैंड अप एंड यू हेल्प देम आउट मैं आज तक नहीं भूलूंगी इस बातों की जब मैं 15 साल की थी मैं डर गई और मैंने जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया कोशिश की पर मुझे और थोड़ी और लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी जाके उसकी लड़की की हेल्प करनी चाहिए थी मैंने नहीं की और आई ऑलवेज स्टे विद मी बट As a lesson to everyone else, I think be strong, go ahead and fight whenever you can. Thank you. photo, photo. Kya baba? Ek. Like toh dikhoye. मैम थोड़ा इधर टर्न हो जाइए मैम हो जाएगा तो बोलना भाई अभी लुक यार नहीं होगा मैम लेफ्ट में देखिए अभी ऐसे टर्न हो जाइए ये सेंटर थैंक यू सो मच थैंक यू गर्ल्स सही 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 सही
सही खुद खाली बोलो एक दो फ्रेम मार जा जा है या करते रहते हैं आ जाओ इधर सेंटर में हेलो बस मारा बस 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 क्या बात है बस 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 थोड़ा इधर आइए थोड़ा इधर आइए या आप सामने दिखे लुक या सामने आगे सामने लुक मैम राइट 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 साइड लुक किया लुक किया या राइट राइट मैम सेंटर सेंटर या राइट साइड नॉट फोन लुक किया हमारा लोग Namaste and thank you to all the members of the media who have joined us this evening. On behalf of the L'Oréal Paris family, I thank you for being here. It's an important event because it talks about a very important issue about street harassment against women. But I think it holds true for both genders. And what's important is that people feel safe and protected. L'Oréal Paris is working with Right to Be, an NGO that is looking to end harassment of all forms. And they have the stand-up program against street harassment. And join us at the event to know more about it. Thank you for being here. God bless. Mam, 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 mam,
मैम राइट में मैम राइट मैम राइट में राइट में ऐश्वर्या मैम मैम राइट मैम मैम थैंक यू मैम ऐश्वर्या मैम जी से इधर देख के बेजा जी पीछे हूँ दिख नहीं रहा हूँ मैं तेजस्वी प्रकाश इधर देखिए मैडम सामने मैडम सामने रखिए इधर 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 बाइक कर ले बाइक 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 तेजा बाइक चाहिए तेजा गरी से इधर देख के बेजा जी पीछे हूँ दिख नहीं रहा हूँ मैं तेजस्वी प्रकाश इधर देखिए मैम सामने मैडम सामने रखिए इधर इधर तेजा उधर बाइक कर ले तेजा बाइक चाहिए तेजा मैडम त्यांना पूर्ण सही लेफ्ट में सही लेफ्ट प्रशंसा क्या बोल रहा है थैंक यू इधर इधर सही सही थोड़ा इधर आइए सही 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 जीते जीते एक पर तो करो पहले पहले तारीख मोबाइल से पीछे ले अभी तो भगवान बने मैम अभी आगे दिखे मैम सही राइट सेंटर में इधर मेरे पास सही राइट में आ रहे कैसा है सही सही क्या करेंगे हेलो
सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट जो है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में लॉरियल के? मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि आई थिंक हर जगह दुनिया में इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू फील सेफ, स्पेशली अगर वो आपकी सिटी हो तो सेफ फील करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने खुद ये फेस किया है बाहर, जब लोग कैट कॉल करते हैं, एंड इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट। रिजर्वेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया, वन थर्ड रिजर्वेशन मिल गया है हमारे हाउसेस में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कॉन्ग्रेचुलेशन। सॉरी मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपको? ओह, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती रही तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट टाइम फॉर वुमेन इन इंडिया, सो आई एम रियली ग्लैड। इधर इधर अभी बोलना भाई मैम, अभी यहाँ मैम, आज क्या कहना चाहोगे स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? लॉरियल ने बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिया, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जब पहली बार मैंने स्ट्रीट हैरेसमेंट देखा था, मैं दिल्ली में थी और बहुत छोटी थी, और एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा था,
और उसको मार रहा था। मैं इतनी छोटी थी और मैं बस में थी, 16-15 साल की थी, कि मुझे बाहर जाके उसको हेल्प करने में डर लग रहा था। तो मैं उतर भी गई बस से, मैं भागी भी उसकी तरफ, पर उस वक्त हिम्मत ही नहीं थी हुई और मैंने कोशिश भी किया पर किसी ने हेल्प नहीं करी। पर आई थिंक टुडे बिकॉज ऑफ इवेंट्स लाइक दिस दैट अवेयरनेस, पीपल आर स्टैंडिंग अप एंड हेल्पिंग ईच अदर, और आई बट देयर स्टिल अ लॉट टू नीडेड टू बी डन। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी कुछ कमेंट पास कर रहा है या हरास कर रहा है, यू शुड ऑलवेज स्टैंड अप। और अगर आप किसी और को हरास होते हुए देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टैंड अप एंड यू हेल्प देम आउट। मैं आज तक नहीं भूलूंगी इस बात को कि जब मैं 15 साल की थी, मैं डर गई और मैंने जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया, कोशिश की, पर मुझे और थोड़ी और लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी, जाके उसकी लड़की की हेल्प करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की। और आई ऑलवेज स्टे विद मी, बट एज अ लेसन टू एवरी वन एल्स, आई थिंक बी स्ट्रॉन्ग, गो हेड एंड फाइट वेन एवर यू कैन। दादा फोटो एक क्या बाबा एक हेलो। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हैरेसमेंट जो है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि आई थिंक हर जगह दुनिया में इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू फील सेफ, स्पेशली अगर वो आपकी सिटी हो तो सेफ फील करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने खुद ये फेस किया है बाहर, जब लोग कैट कॉल करते हैं, एंड इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट। रिजर्वेशन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया, और 1/3 रिजर्वेशन गया है हमारे हाउसेस में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कांग्रेचुलेशन। सॉरी मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपको? ओह, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती रही तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट टाइम फॉर वुमेन इन इंडिया, सो आई एम रियली ग्लैड। क्या बोल रहा है? शारिक मोबाइल का पीछे ले, अभी तो भगवान बने। मैम अभी आगे सही सेंटर में, इधर मेरे पास सही राइट में आ रहे हैं, कैसा क्या करेंगे?